स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। स्टूडेंट्स, इंग्लिश में आज हम मिसिंग लेटर्स सीखने वाले हैं। आज तक हमने लेटर ई तक सारे लेटर सीख लिए हैं, राइट? तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी मतलब मिसिंग लेटर्स करेंगे, राइट? तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक आउट योर इंग्लिश सी डब्ल्यू बुक एंड देन ओपन पेज नंबर 2020। तो ये वाला पेज आज हम लर्न करने वाले हैं, ओके? सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, टेक आउट योर पेंसिल एंड इरेजर। नाउ सी स्टूडेंट्स, मिसिंग लेटर्स में आपको क्या करना है पहले मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? तो देखो, आपकी बुक में ऐसे ही सारे लेटर्स लिखे हैं, 119, राइट? तो फर्स्ट देखो कौन सा लेटर लिखा है। फर्स्ट लाइन है उसमें पहले लेटर ए लिखा है, देन ब्लैंक दी है, फिर अगेन ब्लैंक दी है, फिर लेटर डी लिखा है एंड देन लेटर ई लिखा है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये लेटर ए से लेटर ई तक बीच में मिडिल में जो भी लेटर्स मिसिंग है, जो भी लेटर्स नहीं लिखे हैं, वो आपको वो जो ब्लैंक दी है उसमें आपको लिखना है। जैसे कि हम फर्स्ट लाइन करते हैं, पहले ये लेटर ए है, राइट? तो नेक्स्ट ब्लैंक दी है। तो स्टूडेंट्स, ए के बाद कौन सा लेटर आता है बताओ मुझे। यस, लेटर बी। बट स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर हम कैपिटल लेटर्स लिखेंगे या स्मॉल? यस, यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल लेटर। बिकॉज स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर जो बाकी लेटर्स है वो कैपिटल में है, राइट? तो आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर्स ही लिखने हैं, डन? तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेटर बी, कैपिटल लेटर बी, ओके? तो बी लिखते हैं हम स्टैंडिंग लाइन एंड देन गो, देन अगेन गो, कैपिटल लेटर बी। सो बी के बाद कौन सा लेटर आएगा स्टूडेंट्स? यस, लेटर सी। यस, तो यहाँ पर हमको लिखना है कैपिटल लेटर सी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल लेटर सी। और कैपिटल लेटर्स हम हमेशा 1, 2 एंड 3 लाइन्स में ही लिखते हैं, राइट? सो नाउ लेटर ए बी सी डी ई, डन। हमने मिसिंग लेटर्स भी लिख दी है, ओके? तो आपने भी लिखा ना, गुड। तो अभी हम नेक्स्ट लाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन में क्या है, देखो आपको पहले ही 2 ब्लैंक्स दी है ना, और फिर लिखा है लेटर सी, लेटर डी और लेटर ई। तो आपको पहले बोलना है लेटर ई तक, ए बी सी डी ई। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स कौन सा लेटर आया? यस, लेटर ए। तो ये जो फर्स्ट ब्लैंक है वहीं पर आपको लिखना है लेटर ए, कैपिटल लेटर ए। तो कैपिटल लेटर हम करेंगे स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड देन स्लिपिंग लाइन। देन स्टूडेंट्स, नाउ लेटर ए, देन व्हिच लेटर इज कम? यस, लेटर बी, राइट? सो हियर यू हैव टू राइट कैपिटल लेटर बी, ओके? सो डू यू नो हाउ टू राइट कैपिटल लेटर बी? हमने अभी यहाँ पर सीखा, यस, स्टैंडिंग लाइन गो एंड अगेन गो, राइट? सो लेटर ए बी सी डी एंड ई। सो ये पूरी लाइन हमने कंप्लीट कर दी ना, यस? आपने भी मेरे साथ किया। तो अभी हम करेंगे नेक्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, ओके? तो देखो, यहाँ पर लेटर ए लिखा है, देन बी लिखा है, देन सी लिखा है, देन आपको 1 एंड 2 ब्लैंक्स दी है। तो आपको बोलना है ए बी सी डी ई। तो सी के बाद स्टूडेंट्स कौन सा लेटर आया? यस, लेटर डी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेटर डी। तो लेटर डी स्टूडेंट्स लिखते हैं स्टैंडिंग लाइन एंड देन ऐसे बिग बिग कर्व बनाना है आपको, राइट? सो ये बन गया हमारा कैपिटल लेटर डी। सो नाउ
यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारे स्मॉल लेटर्स है ना, स्मॉल लेटर्स। तो आपको यहाँ पर जो ब्लैंक दी है उसमें भी आपको स्मॉल लेटर्स ही लिखना है। तो देखो, पहले ब्लैंक्स है, फिर बी लेटर है, फिर अगेन ब्लैंक, देन डी एंड देन ई। तो चलो अभी हमको एबीसीडी तो आती है, तो यहाँ पर बी से पहले कौन सा लेटर आएगा? यस, लेटर ए, और वो भी स्मॉल लेटर ए। तो स्मॉल लेटर हम करते हैं क, डन, देन स्टैंडिंग लाइन एंड देन क, स्मॉल लेटर ए, राइट? सो लेटर ए, लेटर बी एंड देन यस, लेटर सी, और वो भी स्मॉल लेटर सी। और स्मॉल लेटर्स आपको यहाँ पर ब्लू लाइन में लिखने हैं, मिडिल लाइन में। तो हम यहाँ पर करेंगे स्मॉल लेटर सी। तो हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई, ए बी सी डी ई, डन। चलो अभी हमने ये लाइन तो कंप्लीट कर ली, अभी हम नेक्स्ट लाइन करते हैं। तो ये है लेटर ए, देन ब्लैंक, देन अगेन ब्लैंक, लेटर डी एंड लेटर ई। तो चलो अभी तो हमने इतने सारे मिसिंग लेटर्स किए, तो ये आपको आना चाहिए। तो चलो स्टूडेंट्स, ये लेटर ए लिखा है, देन यस कौन सा लेटर आएगा? लेटर बी। और लेटर बी आपको कैसे करना है? लेटर बी स्टैंडिंग लाइन, डन एंड देन को। सो ये बन गया लेटर बी। सो लेटर ए, लेटर बी एंड देन yes, small letter C. So here you have to write small letter C. So C, D, E. Complete. Now we will do last line. Okay. So देखो students, यहाँ पर पहले दो blank दी है, फिर लिखा है letter D, letter E and letter F. तो students, आपको क्या करना है? देखना है कि D के पहले कौन सा letter आता है? बोलो आप। चलो A, B, करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।